हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर रोहित बॉय। तो सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ। पहले उठ के थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, तो सुबह सुबह थोड़ा सा लेट से उठा क्योंकि आज सुबह थोड़ा सा एक दोस्त है मेरा जो मेरे घर के सामने रहता है, उसके साथ थोड़ा सा जॉगिंग में गया। मेरे भाई भी था, मेरा छोटा सा भाई, शायद उसको दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखाऊँगा। अभी नहीं, इस ब्लॉग पे शायद ना दिखे, दूसरे ब्लॉग पे मैं दिखा दूँगा। तो अभी क्या हो रहा है, बारिश, सुबह सुबह बारिश हो रही है। मेरा दिमाग सटक गया है। अभी सोचा था कि आज थोड़ा सा निकलेंगे घूमने के लिए, एक प्लान किया था, एक जगह मिला था घूमने के लिए, मगर बारिश हो रही है, कैसे जाऊँ। जब तक बारिश ना ख़त्म हो तब तक निकल नहीं सकता। तो अभी आप लोगों से थोड़ा सा बातें करते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो क्या है, बातें तो कर सकते हैं ना। तो मैं सोच रहा था कि मुझे टूरिस्ट, जब टूरिस्ट लोग जब आते हैं ना, तब उन लोगों के लिए एक गाइड, पर्सनल गाइड होता है जो उन लोगों का देख रखते हैं, उन लोगों के साथ घूमते हैं। मगर उनको उसको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको पैसा देते हैं। तो मैंने सोचा था क्यों ना उस जॉब को थोड़ा सा, बस मेरे जो पैशन है उसको थोड़ा सा जॉब में कन्वर्ट करके पैसे भी कमाया जाए। तो ऐसा क्या है कि मैं सोच रहा था एक टूरिस्ट गाइड बनते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, फिर मौज करेंगे, और क्या। तो इसलिए मैं तो अभी किसी टूरिस्ट बा कोई टूरिस्ट गाइड हूँ नहीं, मैं बनना चाहता हूँ। तो जब यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल रहा हूँ तो सोचा था कि इसमें बता दूँ, जब यूट्यूब ब्लॉग बनाता हूँ मैंने सोचा था उसमें भी बोल दूँ मैं। तो मैं मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं हूँ आपका पर्सनल टूरिस्ट गाइड जो आप लोगों के साथ, आप लोगों के संग, आप लोगों को लेकर मैं जगह जगह घूमूंगा। आप मेरा ब्लॉग देखते रहे, आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह घूमने को मिलेंगी। और कुछ बताना चाहते हैं तो कॉमेंट कर दीजिए, कोई लोकेशन है आपको पसंद आता है। मैं रहता हूँ त्रिपुरा में, वहाँ पर कोई जगह है जो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं शायद आप लोगों को लेकर जाऊँ। तो वेट एंड वॉच कि आज कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो दूसरी जगह हो तो आप लोग बता देना, मिलते हैं लोकेशन पे। ब्रिटिश पार्क के यहाँ तक पहुँच गया, बाकी का रास्ता इधर से उधर से जाऊँगा मैं, इधर से जाऊँगा। ये है हेरिटेज, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, ये हेरिटेज का रास्ता है। मैं जाऊंगा इस तरफ से, ठीक है, तो ये आप जा सकते हैं। मैं रास्ता भी दिखाता रहूंगा बीच में, इस पे नीचे से जाना पड़ेगा। आप आएंगे इधर, क्योंकि इधर से होके आपको इधर पर जाना पड़ेगा। आपको जाना होगा इस साइड से सीधा। देखो मैं अभी इस साइड रास्ते की इस साइड आ गया, अभी देखूंगा कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, फिर रास्ता बदलूंगा। मैं जहाँ से आया वहाँ से रास्ता आसानी से मैं जा सकता हूँ, इसलिए मैं आ गया जल्दी जल्दी। मेरा घर जहाँ पर है उधर से ये रास्ता सीधा आता है, इसलिए मैं आ गया, इसलिए मैं आ गया। अभी कुछ लोग शायद पहचानते नहीं होंगे, जो लोग पहचानते हैं इसका कमेंट कीजिए, ये क्या है। ये क्या है, कुछ लोग जानते नहीं होंगे, जो लोग जानते हैं वो कमेंट कीजिए प्लीज, ये क्या है। और बाकी का मैं सीधा जाता हूँ। अभी आप लोग इधर देखिए, इस तरफ से एक रास्ता जाता है, इधर एक मंदिर है और इस तरफ ऑक्सीजन पार्क है। तो आप लोगों को इस साइड से जाना होगा, इस साइड से जाना होगा, ना कि इस साइड से। गलती से इस साइड चले गए ना तो कहीं और चले जाओगे, तो हमेशा इस तरफ से जाना और इधर से होके इधर जाना है आप लोगों को। ये है ऑक्सीजन पार्क, आप लोगों को इस साइड से जाना होगा। A few minutes later.
किधर रोड है, जाना किधर है? त्रिपुरा से, हाँ त्रिपुरा, वो जो अगरतला होता ना, सीधे फोन में मेरा है, मतलब रहता हूँ मैं इधर। अभी तो बंद हो गए ना शायद, हाँ ठीक है पहुँच गए। तो ओके थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और जिस बोट की बात मैंने पहले किए था वो बोट ये है, 4 से लेकर 5 साढ़े 5 तक आप लोग इधर आ सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो अभी अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने साइकिल इधर रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं रिजॉर्ट में, थोड़ा सा जगह भी है, आप लोग आके थोड़ा सा बैठ सकते हैं। इधर एक जगह है आप लोग बैठने के लिए, बैठने की जगह भी है इस जगह। बारिश के समय यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को अच्छा लगेगा, आने के बाद अच्छा लगेगा क्योंकि इधर बारिश जब होगी ना तब आपको बैठने के लिए जगह भी मिलेगा, तैरने के लिए पानी पानी भी मिलेगा। तो बारिश के समय पानी पूरा का पूरा है साफ हो जाता है। तो इधर बारिश के समय यहाँ पर पानी जो ऊपर तक होता है तो देखने में अच्छा लगता है। भैया मैंने देख लिया आपको भी, ये भैया चोरी है, चोर कर रहे हैं। नहीं नहीं गलत है, ये सब मत करना भैया। नाम है आपका? धोनी। हाँ इनका नाम धोनी है। अच्छी में है तो आप फेमस है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा पानी की तरफ, ये यहाँ पर पानी भी है मगर अच्छा नहीं है, कभी मत उतरना। यस मिस्टर हिट बॉय, ओके थैंक यू। तो इधर से मैं सोच रहा था कि आने के बाद थोड़ा सा घूमूंगा देखूंगा, मगर लोग कम है, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं जगह, तो अभी का क्या सीन है, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया मगर अभी थोड़ा सा घूमूंगा देखूंगा फिर। हाँ हाँ उधर से घूम के इधर से होके उधर आ सकते हैं ना, तो इधर से ही जाऊँ, इधर से जाऊँ, ठीक है ठीक है। भैया बोल रहे हैं कि मैं इधर से जाऊँ फिर उधर से आऊँ, तो देखते हैं आप लोग आ सकते हैं। थोड़ा उधर भी कुछ घर है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। मैं लोकेशन यूट्यूब चैनल के लिंक पर डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूँगा, और बाकी का आप लोग मेरे साथ चलिए, बाकी का मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कपल आए तो ही अच्छा, क्योंकि मैंने जो देखा ना उधर एक कपल है जो बहुत ही मौज कर रहा है, क्योंकि जगह जो है ना इसको बनाया जब गया था तब उसको जो फिश होता है ना मछली उसके आधार पे बनाया गया था। ये जो जगह है ना जहाँ पर मैं आया हूँ उधर फिश भी है, मैं ऊपर है तो मैं दिखा दूँगा। अभी तो जो पानी है ना बहुत ही गंदा है इसलिए कुछ दिखता नहीं है, मेरे साथ कोई लोग नहीं रहता इसलिए मैं सिनेमैटिक शॉट बना नहीं पाता, थक जाता हूँ, काय का कैसे बना सकता हूँ। व्हीकल हो किसी के साथ आया हो तो सिनेमैटिक शॉट आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दूँगा। और यहाँ पर भी थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है बैठने के लिए, यहाँ पर मैं अभी टनल से होके जा रहा हूँ। टनल मतलब क्या, इसका नेचुरल बना हुआ है, हिंदी में तो कुछ और बोलते हैं, भिंगुली में कुछ और बोलते हैं। यहाँ पर पेड़ भी लगाया गया है वो भी केले का, जगह जगह आप लोगों को इस ऐसा कुछ जुगाड़ मिलने को मिलेंगे बैठने के लिए। थोड़ा सा चलते चलते कुछ लोग थक जाते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते, तो उन लोगों के लिए ये सब बनाया गया है। और इस जो लेक है इसके बीच में एक बीच में नहीं मतलब इस लेक और ये दो लेक के बीच में
आप लोगों को जाने के लिए एक लाइन मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ही एक रास्ता है उस साइड से आप लोग आ सकते हैं। और बीच में एक तंबू, जो मैंने पहले दिखाया था ना तंबू, जहाँ पर ईंट से बनाया गया है स्क्वायर स्क्वायर, मैंने जब बोला था कि बारिश के समय आना ज़रूरी है, उसके जैसा ही है। यहाँ पर भी एक बना रहा है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है एक खम्बा, इधर एक है। और इसको याद रखने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम जब चलेगा इसको याद रखने के लिए ऐसा कुछ बनाया है। उधर भी एक बनाया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। जगह अच्छा है, फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो मैं शायद फिर से आऊँगा, लोग भी आएंगे। तो उस साइड से मैं इस साइड आ गया, इधर से होके इधर से गया, फिर घूमते घूमते इधर से होके अभी इधर से आ रहा हूँ। उस साइड का भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इस साइड का भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर जब तैयार हो जाएगा मैं शायद फिर से आऊँगा। मैं उधर से उधर इधर तक आ गया, देखो इधर एक बड़ा सा फिश है, दूर से दिखाता हूँ तो शायद आप लोगों को ये अच्छा लगे। देखो इधर एक फिश है। इस तरह की चीज़ें को आप देखने के लिए त्रिपुरा पे आना पड़ेगा, इस जगह। हाँ, त्रिपुरा नहीं तो कहीं आपको इस तरह के नुमेंस शायद ना दिखे। इस साइड आने के बाद, इस साइड घूमने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि त्रिपुरा में टूरिज्म का जो है ना वो थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा है। त्रिपुरा में बहुत जगह ये सब होता रहता है, आप लोग आके मज़ा ले सकते हैं घूमने का, देखने का। इस साइड मैंने उस टाइम बोला था कि इस साइड भी झील है, इस साइड भी झील है, तो दोनों साइड की झील के बीच में से एक रास्ता होता है, उस साइड से मैं जा रहा हूँ। जो दिखा रहा हूँ वो जो नज़र आ रहा है वही मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं आ रहा। अभी इतना याद आ रहा है कि शाम हो रही है, घर में जाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी कूद देंगी। मम्मी देखेगी ना तो मम्मी मुझे ज़रूर डांटेगी। बैठने के लिए यहाँ पर नाव भी है, नाव की जैसा बनाया हुआ है, बैठने के लिए आप लोग आके बैठ सकते हैं। तो इधर जो घर है, मैं उधर से आया था, अभी इधर से लोग आते थे, मैं उधर से नहीं आया। तो इधर जो घर है उसको किसी मच्छी की तरह शेप देकर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर लोग रहने के लिए। पहले तो ऐसा बनाना चाहिए था, उस साइड भी शायद बनाएंगे बाद में, अभी अभी मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ये सब काम कर रहे हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बाइसाइकिल से आया हूँ मैं, और थोड़ा सा इधर उधर से कुछ लोगों से पानी लेकर पानी पी लिया था, कुछ खाया नहीं। अभी जा रहा हूँ घर में, खाना खा के आया था घर से, अभी गोप्रो को इधर लगा के अभी जाऊँगा। अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, कभी फ़ोन से कभी गोप्रो से एक्सचेंज करके शूट कर रहा हूँ, थक गया, धीरे धीरे जाऊँगा अभी। और इधर आने के लिए आप लोगों को शायद पैसा लगे, पेट्रोल लगे व्हीकल से आएंगे तो। और मुझे अभी आज का जो ब्लॉग मैंने बनाया वो उसका कुछ भी पैसा नहीं लगा, ज़ीरो कॉस्ट है इस ब्लॉग का। तो अभी जा रहा हूँ, तो बाय बाय।